नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस। जर्जर सड़क के नवीनीकरण की मांग में सड़क पर उतरे शिक्षक व विद्यार्थी। जलपाईगुड़ी से मैनागुड़ी रोड होते हुए चेंगड़ा बांधा मेखलीगंज तक की सड़क लंबे समय से जर्जर है। बुधवार को मैनागुड़ी ब्लॉक के पुटीमाड़ी इलाके में जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के साथ स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उस सड़क पर दो स्कूल है, एक हाई स्कूल और एक जूनियर गर्ल्स हाई स्कूल। सड़क इतनी खराब है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, इसलिए स्थानीय निवासी और स्कूल शिक्षक जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत का काम शुरू करने की मांग कर रहे हैं। पुटीमारी मथुरा मोहन हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक रंदा प्रसाद रॉय ने कहा कि बरसात के दिनों में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और जल जमाव के कारण दुर्घटनाएं हो सकती है। उन्होंने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की। इस संबंध में जलपाईगुड़ी पीडब्ल्यूडी रोड के अधिकारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि बरसात के बाद सड़क की मरम्मत कराई जाएगी और इस सड़क का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल पंप के सामने ट्रक व डंपर के बीच टक्कर से अफरा-तफरी, एक घायल। मादरिहाट पेट्रोल पंप के सामने ट्रक व डंपर के बीच टक्कर में एक व्यक्ति घायल हो गया। बुधवार की सुबह मादरिहाट एशियन हाईवे में पेट्रोल पंप के सामने असम जा रहे ट्रक बीरपारा जा रहे डंपर से टकरा गई। इस घटना में ट्रक का खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों व पुलिस की पहल पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी ओर मादरिहाट एशियन हाईवे पर बापी सब से सटे इलाके में असम जा रहे एक मालवाही ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रक चालक समेत खलासी को मामूली चोट आई है। तृणमूल पर लगा भाजपा नेता के घर पर हमले का आरोप। बड़ा शकदल ग्राम पंचायत इलाके में भाजपा नेता अनिमेश बर्मन के घर पर हमला करने का आरोप तृणमूल पर लगा है। मंगलवार देर रात उनके घर पर कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के बदमाशों ने हमला कर दिया। अनिमेश बर्मन ने आरोप लगाया कि उस वक्त वो घर पर नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि हमला करने वाले सभी लोग तृणमूल कांग्रेस के गुंडा बाहिनी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ये हमला उन्हें जान से मारने के लिए किया गया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है। अनिमेश बर्मन की माँ बुलबुली बर्मन ने बताया कि हमला अचानक हुआ। उपद्रवियों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। घटना की सूचना पाकर साहिबगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। साहिबगंज थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच में जुट गई है। उत्तर दिनाजपुर में बोर्ड गठन को लेकर तृणमूल व विपक्षियों के बीच झड़प। कालियागंज के मुस्तफा नगर ग्राम पंचायत में पंचायत बोर्ड के गठन को लेकर भारी तनाव छा गया है। जमकर बमबारी करने के आरोप भी सामने आए हैं। उल्लेखनीय है कि इस पंचायत में निर्दलीय भाजपा, सीपीएम और कांग्रेस ने मिलकर 17 सीटें जीती। आज जब विपक्ष के विजयी उम्मीदवार बोर्ड बनाने पहुंचे तो कथित तौर पर उन्हें लाठियों और लात घूसों से पीटकर अंदर घुसने से रोका गया। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच बड़े पैमाने पर झड़प हुई। आरोपी की तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी दलों पर हमला और बमबाजी की। पंचायत कार्यालयों में भी तोड़फोड़ की गई। सभी एक दूसरे पर बमबारी के आरोप लगा रहे हैं। भीषण तनाव की सूचना पाकर कालियागंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता इलाके में लाठी डंडे तीर कमान से लैस हैं। इलाके में तीव्र तनाव है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। सिर्फ 25 रुपए में पोस्ट ऑफिस से मिल रहा राष्ट्रीय ध्वज। सेल्फी जोन में खरीदारी की ले सकते हैं तस्वीर। सिर्फ 25 रुपए में पोस्ट ऑफिस से भारत का राष्ट्रीय ध्वज आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। पिछले साल केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। पिछले साल इस कैंपेन को जबरदस्त रिस्पांस मिला था। इस मुहिम में पिछले साल सिलीगुड़ी मुख्य डाकघर से 20,000 से अधिक राष्ट्रीय झंडे बेचे गए थे। इस साल भी राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हो चुकी है। पिछले साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने ग्राहकों तक राष्ट्रीय ध्वज ऑनलाइन पहुंचाने के उपाय किए हैं। नागरिक डाकघर की ई पोर्टल www.epostoffice.government.in के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ 25 पैसे चुकाने पर मिलेगा राष्ट्रीय ध्वज। एक व्यक्ति 5 झंडे ऑर्डर कर सकता है। एक बार ऑर्डर देने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज डाकघर जाकर भी खरीदे जा सकते हैं। सिलीगुड़ी मुख्य डाकघर में एक सेल्फी जोन की व्यवस्था की गई है, जहां ग्राहक झंडे की खरीदारी करते हुए फोटो ले सकेंगे। पोस्ट ऑफिस सूत्रों से बताया गया है कि सिलीगुड़ी मुख्य डाकघर से अब तक 100 झंडे बिक चुके हैं। मालदा में परिवहन विभाग के नए भवन का आधिकारिक उद्घाटन। इंग्लिश बाजार नगर पालिका के चेयरमैन कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने फीता काटकर इंग्लिश बाजार नगर परिवहन विभाग के नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान इंग्लिश बाजार नगर परिवहन विभाग के प्रभारी पार्षद उदय चौधरी और शहर के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे नए भवन का उद्घाटन किया गया। मालदा शहर के वृंदावनी मैदान से सटे इलाके में नगर परिवहन विभाग का उद्घाटन किया गया।
भवन का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने कहा, फिलहाल सरकारी कामकाज इसी कार्यालय से होगा। आने वाले दिनों में इंग्लिश बाजार नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 के फार्म एरिया में सर्विस सेंटर काम करेगा। इसके अलावा नगर पालिका की ओर से वाहन चालकों को रेनकोट सौंपे गए। परिवहन विभाग के प्रभारी पार्षद उदय चौधरी ने कहा कि परिवहन विभाग का कार्यालय जर्जर स्थिति में थी। नगर पालिका की पहल पर नई इमारतों का निर्माण किया गया है। कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा हेतु नए भवन के दरवाजे का उद्घाटन किया गया। कूचबिहार में राजवंशी मेधा सम्मान पर्व का आयोजन। राजवंशी कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से कूचबिहार के लांसडाउन हॉल में राजवंशी मेधा सम्मान पर्व का आयोजन किया गया। इस दिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। दिन के इस कार्यक्रम में छात्रों को सम्मानित करने के अलावा छात्रों के साथ उनकी सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न विषयों पर एरिया काउंसिलिंग की गई।